कम से कम तीन चार साल हुआ ऐसा ही, कमाई भी नहीं हुआ कुछ, बिजली भी नहीं था कुछ, बोट ऐसा ही हुआ, खसारा होता है रोज बरोज खसारा होता है। जब बर्फ पड़ गया, बर्फ पे वजह हमको पता है इसको नहीं डूबेगा भी नहीं, मगर बर्फ बहुत भारी था, पानी जैसा बर्फ था वो, उसी से चार दिन पहले, आज चौथा दिन है, चौथा दिन है आज। फिर हम गया, जब डूब गया बोट, फिर गया एसोसिएशन के पास भी गया, उसने बताया हम हेल्प करेगा, मगर थोड़ा मोटर के लिए जो पानी निकालेगा आपको। उसने फिर रुपया 5,000 दे दिया। जब चार दिन को मैं नाच नाच के गया हर एक किसी को, मंजूर अहमद को भी, और फिर उसने बताया हम इसको कुछ नहीं करेगा, इसको गवर्नमेंट को करो अपील, करो गवर्नमेंट को, इसको हमको रिपेयरिंग करना है। अब हमको पैसा भी नहीं है, कम से कम 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगता है बोट का रिपेयरिंग का, हमारा उतना गुजारा नहीं है, 2 साल हुआ बैठ कर। गए थे टूरिस्ट एसोसिएशन के पास, गया बोला हमको हम क्या करेगा इधर, अब हमने अपने पास रखा जो रिन्यू का पैसा था 5,000 रुपया है, जितना भी बोट डूब गया उतना उतना ही मदद करता है। हम नहीं, गवर्नमेंट के पास लिया दरखास्त दिया, उधर कुछ बात ही नहीं बनता है हमारा। हाँ दिन भर दिन, आप देखो कपड़ा हम लगाता है इसको, दूसरा बर्फ अगर पड़ जाएगा ये डूबेगा ये नहीं उठेगा। अभी हमको कुछ अगर कोई मदद कर सकता है करो, छोटा छोटा बच्चा है, कम से कम 25 बच्चा, चार फैमिली इस घर के ऊपर चलता है, चार भाई का बोट है ये, कोई हमारा सुनता ही नहीं। कोरोना से वजह भी बिजनेस हो गया खत्म, जो 370 हटाया उससे भी खत्म हो गया। हम 2 साल हो गया हमको बैठ कर, ना शिकारे का काम है ना हाउस बोटो का काम है। लेकिन सरकार ने 3,000 रुपया खाली बैंक में डाला, उसको क्या मिले हो जाएगा, उससे क्या गुजारा हो जाएगा। हाउस बोट स्टे वंस अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ कश्मीर टूरिज्म इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डिस्टेंट मेमोरी because of high court guidelines which prohibits the increasing numbers of houseboats in Dal and Nigain lake. यहाँ पे registered houseboat जो with Department of Tourism है 910 houseboats registered है, और इन तमाम के तमाम houseboat जो है जो exist हो रहे हैं इनको मरम्मत करने की repair करने की कोई भी इजाज़त नहीं है, जबकि हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीरा जो थे उन्होंने यहाँ पे इसी डल झील में डॉकयार्ड भी बनाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है, सितमजरी यह है कि आज तक, आज की तारीख तक उस डॉकयार्ड में एक भी हाउस बोट की मरम्मत न हो चुकी है, न रिकन्स्ट्रक्शन हो चुका है। The aim is to regulate the functioning of houseboats in order to preserve the lake for sustainable tourism. There has been a ban on construction since 1983. अब जैसे कि 3-4 महीने गुजर चुके हैं और ये रिकॉर्ड है आज तक की हाउसबोट इंडस्ट्री में कि 4 महीनों में यहाँ डल झील में, रिवर में, चिनार बाग में और निगीन में करीबन 10 से ज़ायद हाउसबोट पानी के हवाले हो चुके हैं। आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं इसका नाम किंग्स रिंग है, जिलेडल में वाका है, जो सैलाब आया था 2014 में, तब से यही इसी ज़मीन पे वाका है। हमने इसको शिफ्ट करके पानी से निकाल के यहाँ पे रखा। बदकिस्मती की ये बात है कि गवर्नमेंट हमें कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से हम इसको मजबूर हो गए पानी से इस ज़मीन पे लाने के लिए। अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा, जो भी हमें इस वक्त मुश्किलात आ रहे हैं, जैसे बोट्स आजकल आप देख रहे हैं करीबन हमारे डल लेक में 9 बोट्स डूब गए हैं, इसकी बेसिक वजह है इस एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, और दूसरी ये वजह है कि बैन है, कंप्लीट बैन है कि आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं।
the Dal Lake has shrunk from 75 square kilometers to 12 square kilometers. The main pollutants are sewage and sewage, agriculture runoff, soil erosion from catchment areas, animal waste, solid waste from houseboats, hotels and business establishments. ये एक मसला था, जैसे कि हाई कोर्ट ने भी कहा है इसका 0.8% जाता है डाल में, हालांकि डाल में तकरीबन वी हैव गॉट 45 होमलेट्स जो डाल में जाते हैं, और फिर पिछले 1.5 साल से कोई टूरिस्ट हाउस बोट में आया ही नहीं, तो डाल में क्या जाएगा। आप चलो ठीक है 0.8% एज पर द रूलिंग ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जाता है वो भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब डाल हैं तब हाउस बोट है, जब हाउस बोट है जब डाल नहीं रहेंगे तो हाउस बोट कहाँ रहेंगे। इसके लिए हमने सोचा है, हमने लाडा के साथ और जो यहाँ पर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हम गए हैं केरला, और हमने वहाँ पर बायो डाइजेस्टर्स देखे हैं वहाँ के हाउस बोटों में लगे हुए थे जो कि मैकेनाइज्ड है, और हमने उस टीम को यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर जितने भी टूरिज्म वालों डिपार्टमेंट ने बुलाया हमने फिर उसका भी एक तदारुक किया है, हाउस बोट्स में बायो डाइजेस्टर्स लगाना चाहिए। ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड बाई एक्सपर्ट कमेटी जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तश्कील दे दी है, और हम ये बायो डाइजेस्टर जब लगाएंगे हाउस बोट के इनका पोल्यूशन ख़त्म होता है, फिर ये डाल में नहीं जाता है इनका पोल्यूशन। मगर जहाँ तक गवर्नर साहब का सवाल है, तो वोरा साहब का, जब वोरा साहब यहाँ पर थे तो उन्होंने बताया था एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ये सरकार ये लगाएंगी ये बायो डाइजेस्टर्स हाउस बोटों में, और ये विद इन 3 मंथ्स ये काम होना चाहिए। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसके लिए बजट भी रखा है, आज तक सिर्फ 6 हाउस बोटों में लगा है और उससे ज़्यादा अभी जो प्रेजेंट रिवाइवल पैकेज बना है उसमें भी बायो डाइजेस्टर के लिए रखा है बजट, मगर हमारे हाउस बोटों में उन्होंने खाली 6 हाउस बोट पर लगाया, और इससे पहले अभी तक हम चाहते हैं हर एक हाउस बोट पर बायो डाइजेस्टर लगे ताकि डाल में कोई भी पोल्यूशन ना जाए। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात जो है सियाहत का जो महकमा है और सियाहत का जो यहाँ मंजरनामा रहा है उसमें हाउस बोट्स ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। जब भी डल झील की बात होती है तब हाउस बोट्स की बात होती है, और सदियों से इनके नाम अगर आप देखेंगे किस तरह से एक तारीख जुड़ी है उन नामों के साथ जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आया करते थे और उसके बाद इन हाउस बोट्स में रहते थे, तो कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता था कि ये जिस तरह एम्स्टर्डम में हॉलैंड में वहाँ के हाउस बोट्स हैं, तो हर एक जगह की अपनी अपने सियाहती मरकज़ की एक पहचान होती है और जो सेहत अफजा मकामात होते हैं, तो उसमें जब आप माहौलियात की बात करते हैं तो जब आप बड़े बड़े होटल्स 5-star होटल्स बनाते हैं ग्रीन जोन्स में या बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के अफसर शाहों की और नौकर शाहों की, तब आपको एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं आता, और जब यही एक मुतवस्त तबका भी नहीं बल्कि जो बहुत ही निचले सतह का जो तबका है जो बिल्कुल सिर्फ सियाहत पर ही उनके रोज़गार का इन्हिसार है, जब आप उनको भी इस तरह निकालेंगे या इस तरह उनको परेशान करेंगे तो जाहिर है उनकी रोटी रोज़ी पे आप जो है वार कर रहे हैं।